राज्य सरकार के निर्देश पर ब्यावर शहर में लगाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग शिविरों के तहत उपखंड प्रशासन की ओर से कुल 8 स्थायी शिविर लगाए गए हैं। शिविरों की व्यवस्थाओं के निरीक्षण के लिए शुक्रवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर देविका तोमर ब्यावर पहुंचे। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर तोमर ने शहर के स्थायी शिविरों का अवलोकन किया। अवलोकन के दौरान उन्होंने शिविर में मौजूद व्यवस्था तथा कार्मिकों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच की। साथ ही उन्होंने शिविर में मौजूद लोगों से भी बातचीत की। बातचीत के दौरान कई लोगों ने उन्हें पंजीयन में होने वाली देरी की शिकायत की। इस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर तोमर ने इस बाबत शिविर में उपस्थित SDN तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की तो सामने आया कि ऐसा सर्वर डाउन की तकनीकी समस्या के कारण हो रहा है, जिसके समाधान के लिए शिविर में पहुंचने वाली लोगों को टोकन दिया जाता है ताकि उसे खड़े रहने तथा इधर उधर भटकने को मजबूर नहीं होना पड़े। इस दौरान देविका तोमर ने शिविर में छाया पानी सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखा, दो संतोषजनक पाई गई। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चे तथा बाली माताओं तथा वृद्ध जनों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शिविर अवलोकन के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर नगर परिषद पहुंची, जहां पर उन्होंने परिषद आयुक्त, सभापति सहित अन्य अधिकारियों से बातचीत कर सभी शिविरों में आमजन को होने वाली परेशानियों का समाधान शीघ्र करने तथा तकनीकी परेशानियों के समाधान के लिए उच्च स्तर पर बातचीत करने तथा स्थानीय स्तर की समस्याओं के लिए तत्पर रहने के निर्देश दिए। मालूम हो कि शिविरों के दौरान सर्वर डाउन की समस्या के कारण लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। प्रशासन गाँव के संग और शहरों के संग लगाए जा रहे हैं अलग अलग अस्थायी उसमें, और स्थाई भी कुछ लगे हैं। तो ब्यावर में 8 स्थाई स्थल हैं, उसमें से 4 अभी तक लगे हैं। उसमें किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, क्या कितनी देर में टोकन निकल पा रहा है, टोकन नंबर दिए जा रहे हैं, पानी की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, इन सब का अवलोकन किया गया। और ठीक है, व्यवस्था देखी जा रही है, थोड़ा उसमें सुधार की गुंजाइश है, तो उसके लिए नगर परिषद को कह दिया गया। बड़ी समस्या कुछ नहीं आ रही है, टोकन नंबर लेकर के लोगों को थोड़ा सा ये वेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी को कम से कम 2 से 3 मिनट रजिस्ट्रेशन में लगता है। और कुछ कुछ जगहों पे टेक्निकल इश्यूज आते हैं, वो अनअवॉइडेबल है, उनमें थोड़ा टाइम लग जाता है। किसी का प्रिंटर खराब हो गया तो वापस से प्रिंटर मंगाते हैं, तो वो थोड़ा एक डिले हो जाता है। अदरवाइज अगर प्रिंटर सही चल रहा है और टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, तो आइडियल सिचुएशन में 2 से 3 मिनट में हो रहा है। जैसे नगर परिषद में अगर आप देखें तो वहाँ बहुत स्मूथली चल रहा है, वहाँ कोई गैप नहीं है। आपकी गारंटी कार्ड जितने रजिस्टर्ड में उतने प्रिंट होकर दे दिए गए। यहाँ पे इस तरह से हम लोग जहाँ लग रहा है हमें, वहाँ मैन पावर भी बढ़ा देंगे और जगह भी बड़ी कर देंगे, जिससे टोकन लेके आदमी आराम से बैठ सके और फिर उसके बाद अपनी लाइन जब आए, टाइम आए, तो वो कर सकते। बाकी टेक्निकल इश्यूज तो इजीली सॉल्व हो जाए।